जय हिंद साथियों, आज एक बार फिर मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा प्रसन्नता आती, खुशी है कि आज न कि केवल एक पार्टी के सदस्य है बल्कि आज हमारा परिवार एक हो गया। मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी को हमेशा सिरसा का विधायक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका इस शख्स की रही है, नवीन केड़िया जी की। और इसके बाद हम देखते हैं कि परिवारों के अंदर राजनीति पार्ट डाल देती है, कई कारण रहते हैं। हम और परिवारों को भी देखते हैं जिनके खून के रिश्ते होते हैं, उनके अंदर भी राजनीति करके खून से बढ़कर अरोड़ा साहब का साथ निभाने का काम किया है। अणखी आदमी है, साथ थे तो ठोक के साथ थे, विरुद्ध में थे तो सबसे ज्यादा विरुद्ध में ठोक के साथ थे। इस चीज की कदर मैं इस शख्स की करता हूँ। भाई नवीन केड़िया, परिस्थितियां कैसी भी रही हों पार्टी की, कई चीजों करके हमें भी पार्टी छोड़नी पड़ गई कई कारणों करके, पर इस शख्स ने कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने अगर किसी को भी अपना कभी कैंडिडेट बनाया हो तो इस शख्स ने यह नहीं देखा कि मेरे पास कोई घर मुझे मनाने आएगा। असली असली पार्टी के वफादारी हैं। मुझे खुद को इन्होंने फोन करके कहा कि मैं पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं, तू आ, तेरा मान सम्मान भी करेंगे, तू मेरा भांजा भी है। मुझे आज खुशी है कि आज हमारा परिवार एक बार फिर से पक्का हो गया, इकट्ठा हो गया। आज कांग्रेस का पट्टा इन्होंने मुझे पहनाया है, अब पक्के कांग्रेसी हो गए, इन्होंने मुझे बनाया है। और इसके साथ साथ मैं हमारे छोटे भाई का भी धन्यवाद करता हूँ, हमेशा एक्टिव रहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं तो नया आया हूँ अभी, मन तो 3 दिन हुए हैं तो मैं जैसे ये गाइड करेंगे सब मुझे, उस प्रकार से मैं चलूंगा। और आज आपसे वादा है, हर प्रकार से गोकुल सेतिया स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा से ज्यादा मान सम्मान और प्यार मैं अपने मामे के साथ रखूंगा। आपको हमेशा फखर महसूस होगा कि मैंने इस बंदे के सिर पे हाथ रखा। मेरे दादाजी कांग्रेस में पैदा हुए, मेरे पिताजी कांग्रेस में पैदा हुए और मैं कांग्रेस में पैदा हुआ और मैं कांग्रेस में ही चाहता हूं कि कांग्रेस में ही रहूं और कांग्रेस में ही मरूं। मेरा बेटा भी कांग्रेस के लिए सक्रिय राजनीति में भाग लेता है। मेरे साथियों, मैं आप सबसे भी दिल से अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने गोकुल सेतिया जी को जो टिकट दिया है, हम सब ने मिलकर के कांग्रेस को यहाँ से विजयी बनाना है।